इंदौर में दो एडवाइजरी कंपनी के कर्मचारियों को कनाड़िया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शेयर मार्केट में पैसे दोगुने करने का झांसा देकर रिटायर्ड कर्मचारी सुरेश मोदी से 20 लाख रुपए ऐंठे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जल्द ही कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही। जी, कल रात्रि में आवेदक सुरेश मोदी निवासी टेलीफोन नगर द्वारा सूचना दी गई थी और लिखित आवेदन पत्र जो है थाने पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि शुभम भावसार निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी एवं पंकज पांचाल निवासी बिचोली मर्दाना द्वारा इनलीगल आईए बनकर जो है उनसे अलग अलग जगहों पर लगभग 18 से 20 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करवाया गया है, जो कि आवेदन के मजमून से पाया गया है कि ये जो आरोपी है इनके द्वारा सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए और बिना किसी जानकारी के इस तरीके से इलीगल जो है एडवाइस की गई है, जिस पर थाना कनाड़िया पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही इसे जो आरोपी है शुभम भावसार और पंकज पांचाल इन्हें पकड़ा गया है, जिनकी गिरफ्तारी की जाके इन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और आगे भी इससे संबंधित जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी शीघ्र। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।